अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर शकीब कुरैशी और मैं ट्रेनिंग के लिहाज से एक रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपना MBBS किया किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से और उसके बाद मैं फर्दर ट्रेनिंग के लिए USA चला गया, जहाँ मैंने अपनी इंटरनल मेडिसिन की ट्रेनिंग की 3 साल, फिर उसमें बोर्ड सर्टिफाई किया और उसके बाद फिर मैंने अपनी रूमेटोलॉजी में ट्रेनिंग की, फेलोशिप ट्रेनिंग, और उसके बाद उसमें बोर्ड सर्टिफाई किया। तो आई एम एक्चुअली ट्वाइस बोर्ड सर्टिफाइड इन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्वाइस बोर्ड सर्टिफाइड इन रूमेटोलॉजी। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑर्थोपेडिक और रूमेटोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है, क्योंकि बड़ा कॉमनली ये होता है कि लोग समझते हैं कि ऑर्थोपेडिक वही बीमारियों का इलाज करते हैं जो कि रूमेटोलॉजिस्ट करता है, लेकिन इनमें बड़ा वाज़े फ़र्क है। जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं वो जनरली सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं और रूमेटोलॉजिस्ट जो हैं वो जनरली मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। जनरली लोग समझते हैं कि जो रूमेटोलॉजिस्ट है वो आर्थराइटिस को ट्रीट करता है। तो थोड़ा मैं क्विकली आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि आर्थराइटिस किस किस्मों का होता है और उसमें फ़र्क कितना ज़रूरी क्यों है। तो दो तरह के आर्थराइटिस होते हैं, एक है जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं होती, जो कि जनरली ओल्ड एज का वेयर एंड टेयर का आर्थराइटिस है, जिसमें आप कह लें कि एक ओल्ड एज में घुटने ख़राब हो गए, बैक ख़राब हो गई, नेक ख़राब हो गई, हिप ख़राब हो गई, इसका भी हम इलाज करते हैं। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो बड़े स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेशन जिनमें होती है और बड़ी जल्दी जॉइंट्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, उस ग्रुप ऑफ आर्थराइटिस को कहते हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिनमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है। तो उसके जो कॉमन वंस हैं जिनको मिस नहीं करना चाहिए वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और कुछ गंठिया, जिस तरह गाउट है उसे गंठिया भी कहते हैं। सिर्फ एक रूमेटोलॉजिस्ट अपनी एक्सपर्टीज से ये डिफ्रेंशिएट कर सकता है या ये फ़र्क मालूम कर सकता है कि ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है या नॉन इन्फ्लेमेटरी है। अब जो दूसरी बीमारी हम ट्रीट करते हैं जिनका बहुत कम लोगों को पता है और चूँकि मैं बहुत बड़े सेंटर में काम करता रहा हूँ, वो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, जिसमें बहुत यंग फीमेल्स को भी होता है, जिसमें हम कहते हैं लूपस हो गई, स्क्लेरोडर्मा हो गया, पॉलीमाइसाइटिस हो गया और वैस्कुलाइटिस हो गया। ये बड़े कम लोगों को पता होता है लेकिन ये बीमारियाँ जानलेवा हैं। ये जितने भी हैं इसमें जो इंसान का इम्यून यानी कि दिफाई सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा होता, इम्यून सिस्टम, और उसमें ऐसी एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं कि जो आपके टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाती हैं, जिसमें फीमेल्स में लूपस बहुत कॉमन है, जिसमें आपके जिल्द की बीमारी, जिसमें आपके गुर्दे की बीमारी, जिसमें आपके चेस्ट पेन, जिस मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें सिवाय रूमेटोलॉजिस्ट के कोई इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता और इसकी अर्ली ट्रीटमेंट और प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। इसी तरह वैस्कुलाइटिस है, वैस्कुलाइटिस जो है वो है वेसल्स की डिजीज़, बड़ी तेज़ी से इन्फ्लेमेशन होती है और वो जानलेवा है, उसकी भी बचत बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली पट्ठों के दर्द की बीमारी, जिसमें इन्फ्लेमेटरी मायोसाइटिस, ऐसी इन्फ्लेमेशन होती है जो कि पट्ठों को बड़ी तेज़ी से डिस्ट्रॉय करती है, उसको भी आपने रोकना है और दवाइयाँ अवेलेबल हैं। इसी तरह स्क्लेरोडर्मा है, जिसमें कि आपको जिल्द की टाइटनेस, स्किन टाइटनेस बहुत जल्दी फीमेल्स में होती है, यंग एज में होती है, इसको भी आप जल्दी अप्रिशिएट करें, जल्दी मालूम करें, जल्दी इलाज करें। इसमें रूमेटोलॉजिस्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर करता है क्योंकि वो एक ट्रेन इंटरनिस्ट भी होता है, ट्रेन जनरल डॉक्टर भी होता है। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी मैंने आपको बीमारियाँ बताई हैं उसमें वेट लॉस और एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा रूमेटोलॉजिस्ट ही आपको बता सकता है कि प्रॉपर वेट लॉस ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि जोड़ों की दर्द का वज़न के बढ़ने से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे हम होलिस्टिक केयर कहते हैं USA में, कि ना सिर्फ आप एक पेशेंट के तौर पे आएंगे लेकिन इंशाल्लाह हम आपको ट्रीट ऐसे करेंगे कि आपकी तकरीबन सारी की सारी लाइफ उससे इफेक्ट हो। क्योंकि जितने भी आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं, वो काम नहीं कर सकते, उनका वजूद का भारीपन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि हम आपको ट्रीट करें ताकि आप एक सेहतमंद और अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। और प्लीज़ आप देर ना कीजिए, अगर आपको लगता है कि जितनी भी बीमारियां हैं आपको जो मैंने बताई हैं इनमें से कोई भी बीमारी है, तो आप जल्द अज जल्द मरहम के थ्रू रब्ता करके आप हमारे क्लिनिक से अपॉइंटमेंट लें। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए आना बहुत दिक्कत होगा, आप कहीं दूर रहते हैं, तो आप बेशक फ़ोन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं।